हेलो एवरीवन, आप मेरे चैनल पर आज देखेंगे कि मैं एक सिंपल सा प्लेन राइस बना रही हूँ। ये भी दिखा रही हूँ वीडियो ताकि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ मेरा चैनल, और मैं न्यू हूँ उस चैनल पर। सो अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन, कुकिंग कैसे करना है अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आप कंटिन्यू मेरे रेसिपीज देख सकते हो। और मैं ये यहाँ पर चावल को गैस पर चढ़ा चुकी हूँ, इससे पहले मेरा स्किप हो गया है सब। सो आप देख सकते हैं ये मैं एक ग्लास से 1.5 ग्लास राइस ली थी, सूखे राइस जो बैग से निकालते हैं डायरेक्ट। हाफ स्पून यानी कि 1.5 स्पून है मेरे पास, ये स्पून है मेरे पास। आपके पास अगर बड़ा है तो आप 1 स्पून डालिए, मेरे पास छोटा यानी कि हिला के इसे मैं फुल फ्लेम पे पकने के लिए कुछ टाइम है, तो मैं इसी के साथ साथ आप सबको टमाटर की चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये है टमाटर, आप ऐसे ही तरह के टमाटर लीजिए ताकि ये जल्द से जल्द गल जाए और अच्छा इसका टेस्ट आए और ये जो चटनी है जल्दी बन सकती है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर को कट कर लिया है कुछ ऐसे स्लाइसेस जो नाइनी ज़्यादा मोटे हैं, नाइनी बारीक है। बस ऐसे ही आप लोगों को टमाटर कट करना चाहिए। ये देखिए मैं यहाँ चटनी बनाने के लिए, सो ऐसे ही कढ़ाई आप ले सकते हैं, ये लोहे की कढ़ाई है। आपको दिख रही होंगी ऐसे ही कुछ लाइट की वजह से कुछ कलर इसका दिख रहा है, लेकिन ये क्लीन है बहुत से। जब तक ये कढ़ाई गर्म हो जाएंगी मैं तब तक इस टमाटर में मसाले डालूंगी। सो मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ, ये है अदरक लहसुन पेस्ट जो कि हाफ स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ, जो मैं इसमें कुछ बस 1 स्पून मेरे स्कूप से डाल रही हूँ। आप लोग सॉल्ट अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये है रेड चिल्ली पाउडर, इसमें मैं 2 स्पून डालूंगी, इसमें हाफ ही आया था। सो ये है नेक्स्ट हाफ, और इसमें मैं हल्दी डालूंगी बस 1/4 स्कूप। और नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप धनिया पाउडर, जीरा पाउडर का मिक्स भी डाल सकते हैं। एंड ये है ग्रीन चिलीज, बस इतना ही। एंड देखिए राइस बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। सो ये पॉइंट पे मैं फिर एक और बार इसे स्टर करूँगी यानी कि हिलाऊँगी ताकि ऊपर नीचे के दोनों भी चावल एक साथ मिक्स हो जाए। सो ये अभी कुक नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, देख सकते हैं अभी इसे कुकिंग होने में टाइम लगेगा। सो आप देख सकते हैं मैं हरा धनिया भी इसी में डाल चुकी हूँ, ये मसालों के ऊपर आप देख सकते हैं। मैं इसे डालना पसंद करती हूँ अलग से नहीं, क्योंकि जब मसाले पहले तेल में भुने जाते तब उसका फ्लेवर और टेस्ट और थोड़ा बढ़ जाता है। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं अब इसमें ऑयल डालूँगी, मैं इसमें जीरा डालूँगी वही सेम स्पून से 1 स्पून जीरा, क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका है। फ्राई होने के लिए थोड़ा छोड़ूंगी। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 2 स्टिक्स, देखिए ऐसे 2 स्टिक्स के कड़ी पत्ता यानी कि धनिया पक। थोड़ा जीरा ऐड होने के लिए छोड़ूंगी। आप देख सकते हैं कि जीरे का कलर आ गया है, और मैं ऐसा वाला स्पून यूज़ करूंगी, ये काफ़ी लंबा है ताकि मेरा हाथ ना जले, ना चीटे तेल के हो या चटनी के हो मेरे पे उछले। सो आप ही ऐसा ही स्पून प्रेफर करिए, कुछ बड़ा होना चाहिए।
एंड नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी करी पत्ता, धनिया पत्ता, कभी आप को जलने ना दे नहीं देना है। मैं इसमें यहाँ पर जो मसाला पहले ऊपर ऐड करेंगे वो पहले इसमें डालेंगे। नीचे का मसाला ना जले और ऊपर आ जाए और टमेटो नीचे रह जाए। बस ये देखिए आप, ये उछलना तेल जो उछल रहा था वो कम हो गया। एंड ऐसे ही लो फ्लेम पे ही, हाई नहीं, लो फ्लेम पर ही मैं इसे कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। बस ये कवर करके मैं छोड़ दूंगी। एंड यहीं पे मेरा राइस भी आ गया है, चावल मेरा पक रहा है। सो मैं इसे एक बार चेक कर लूँगी। प्लेन राइस है, इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। आपको अगर चेक करना है खाना कैसा गलता है या पकता है, आप 1 ग्रेन लीजिए, 1 चावल लीजिए, इसे ऐसा मसल कर देखिए। ये देखिए ये पूरा सॉफ्ट हो गया है, मैश हो गया है मेरे उंगली पे, फिंगर पे। तो यही स्टेज पे आपको फ्लेम लो करिए या बंद करिए। उसके बाद ये जो सारा पानी है इसमें, वो सारा पानी आपको ड्रेन कर देना है। मैं इसे लो फ्लेम पे चटनी बन रही है टमाटरों की। मैं आपको बताई थी कि मैंने फ्लेम कम ही रखा था। नेक्स्ट जल्दी गलते हैं, अगर फ्लेम हाई रखेंगे तो टमाटर जल जाएंगे, गलेंगे नहीं जल्दी से। सो मेरा ये थिंकिंग है कि पहले टमाटर को लो फ्लेम पे पकाएं ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए। देखिए ये डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट मैं जब इसे अच्छे से भूनूंगी तब मैं इसका फ्लेम हाई रखूंगी या फिर मीडियम रखूंगी। ये देखिए मेरा टमाटर गल चुके हैं, इसका स्किन निकल रहा है, इसका लेयर ऊपर का। तो इसे मैं थोड़ा और देर के लिए लिड लगा दूँगी। स्टेज है मेरा चटनी का, ये देखिए। बस मैं अच्छे से फ्राई करी हूँ और इसे भुनना स्टार्ट करी हूँ। जो हरी मिर्ची है वो भी इसमें मिल जाएगी, ना स्किन छोड़ देंगी। तो मैं यहाँ पे ध्यान रखती हूँ हरी मिर्ची ना आए, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बस हमारा टेस्ट के हिसाब से। अगर आप लोग कम स्पाइसी खाना चाहते हो तो कम मिर्ची डालिए, या फिर आप ग्रीन चिली अवॉइड भी कर सकते हो। अभी मैंने इसमें मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट ले
डाला है। अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहिए, स्किप मत करिए। मैं आपको इसमें मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी। ये देखिए अच्छे से मेरे टमाटर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस इतना सा ही मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपको ये इंग्रेडिएंट मालूम करना हो कि मैं कौन सा डालूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको मेरे लोगों को चाहिए कि मैं इंग्रेडिएंट बताऊँ। ये कुछ मसाला है जिसे आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये है मेरी चटनी टमाटर की। देखिए इसमें बहुत जलना लगती है एंड मेरे लिए बहुत अच्छे से। मैं तो आप इसका टेस्ट नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को, बस बता दूंगी कैसी बनी, लेकिन टेस्ट नहीं करवा सकती इसके लिए आप। आपको खुद ही बनाना होगा। एंड दिस इज डन विद टमाटो चटनी, टमाटर एंड विद द ग्रीन राइस। एंड ये है गुलाब जामुन, आप लोगों के लिए सरप्राइज था। मैंने नहीं बताया था कैसा बनाना है, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे गुलाब जामुन की रेसिपी जानने के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। यम्मी है, बहुत फ्लेवर्ड है एंड बहुत ईजी स्टेप है। मैं इसे आधे घंटे के अंदर ही बनाकर रेडी कर दी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी मालूम करना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी।